गुजराती बहुत अच्छा नहीं है और लेकिन सच बात कहूँ तो यही लोग हैं जो हमारा देश चलाते हैं। सच बात यह है कि पॉलिटिक्स में हो या कहीं पर भी नेता लोग जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं और लोग जो है वो पीछे से डिसाइड करते हैं कि देश किस तरफ जाएगा और कैसे बढ़ेगा। ये जो क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गोपाल शेट्टी जी काफ़ी समय से यहाँ पे हैं, उनका ये कहना है कि उर्मिला मेरी छोटी बहन की तरह है और मुझे भारी मतों से विजय कराने के लिए वो आई हैं। आपका क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि बड़े भाई की उलझन तकलीफ मैं दूर करने के लिए आई हूँ। बाकी सब आने वाले वक्त में जनता बताएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणियां करके अपना स्तर नीचे गिराना चाहूंगी। आज एक क्षेत्र छे, आ क्षेत्र ना कया एवा मुद्दाओ छे जेना पर तमे काम करवा इच्छो छो? बहुत सारा मुद्दा छे, मुद्दा ज मुद्दा छे अने समस्या ज समस्या छे। घर की है, पानी की है जैसे आप देख रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रेन्स की है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑफिस में जाने वाले लोग रहते हैं। और नमस्कार जी, नमस्कार। तो वो सारे मुद्दों को काम कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इतना ही महिलाओं के लिए खास आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मैं देख रही हूँ कि वो कितनी बड़ी तादाद में मुझे सपोर्ट कर रही हैं और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पर कुछ भी किया नहीं गया है और ये बहुत दुख भरी चीज़ है। सो मुझे लगता है सबसे बड़ा ध्यान जो है उनके स्वास्थ्य के ऊपर देना पड़ेगा। सबसे बड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे देखकर आपको लगता है कि लोगों को बीजेपी को नहीं कांग्रेस को वोट करना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके ऊपर एक पूरा एक घंटे का इंटरव्यू बन सकता है। आपको लगता है पिछले 5 बरस में जातीयवाद और धर्म के ऊपर के राजकारण को छोड़ के किसी भी तरह का विकास हुआ है? इतने बड़े बड़े वायदे करके इतने गलत तरह से चुकी हुई ये सबसे बड़ी और पहली गवर्नमेंट होगी। आपको, आपने कल ये बयान दिया था कि गुजरातियों ने मुंबई को आगे बढ़ाया है, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आके अपने अपने तरह से अपने बिजनेसेस को बढ़ाए हैं, उस वजह से नौकरी धंधा बढ़ता है, काम बढ़ता है लोगों के अंदर, तो उस वजह से समाज और समाज की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। आपको ऐसा क्या लगता है कि लोगों को वोट करने के लिए आप क्या अपील करेंगे? मुंबई में ज्यादातर देखा गया है इस बार सोमवार को है वोटिंग का जो दिन है, 29 अप्रैल को, भारी मात्रा में लोग आते नहीं है मुंबई में बाहर, क्या वजह लग रही है और किस तरह से अपील करेंगी आप लोगों को भारी मात्रा में वोट करने के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी चीज़ हमारी जिंदगी में हमारा मत होता है और उसे जाया नहीं कि करना चाहिए। मंडे है लेकिन उस दिन छुट्टी दी जाती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बाकी सारे काम बाकी के दिन में हो सकते हैं लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमारा देश किस दिशा में जाएगा ये इस चुनाव पे तय होगा। ये मुझे पूरा यकीन है लोग आएंगे और वोट करेंगे। गुजराती वोटर्स कितना इम्पोर्टेंट है नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी, गुजरातियों गढ़ छे कितना इम्पोर्टेंट है आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुजराती वोटर? मुझे लगता है सारे ही लोग इम्पोर्टेंट है और मैंने जैसे कल भी कहा कि गुजराती वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ना ही सिर्फ मेरे चुनाव के प्रचार में, आगे भी मैं सब लोगों को साथ में लेकर जाने में विश्वास रखती हूँ, तो वो भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट जितने के लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन योगेश जी साथ है नीरू टीवी।